नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोग्रेस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने जा रहे हैं 17 जून 2020 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं हमारा कल का क्वेश्चन ऑफ द डे। कल मैंने आपसे पूछा था हाल ही में किस प्रसिद्ध उर्दू शायर का निधन हो गया है। तो अभी हाल ही में गुलजार देहलवी जो कि प्रसिद्ध उर्दू शायर थे, उनका निधन हुआ है 93 वर्ष की आयु में 12 जून को। और वह भी कोविड-19 से ग्रस्त थे, हालांकि उन्होंने उसको पार कर लिया था, लेकिन उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता एक बार फिर से कम हुई और उनकी मृत्यु हो गई। उनको पद्मश्री सम्मान प्राप्त था, मीर तकी मीर पुरस्कार जैसे कई महत्वपूर्ण पुरस्कार भी उनको प्राप्त थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी आज की पहली न्यूज़। और न्यूज़ देखने के पहले मैं आपको बता दूं, आज के इस वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं पहली न्यूज़ को। भारत हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। निम्न में से कौन सा देश इसके सदस्यों में शामिल नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है, जापान भी शामिल है, मैक्सिको, लेकिन चीन इसमें शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका चीन होगा, बी ऑप्शन। देखिए, ये जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके जो सदस्य देश हैं कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, ये सारे देश जो हैं इसमें शामिल हैं, लेकिन चीन इसमें शामिल नहीं है। और ये है क्या, ये एक बहु हितधारक पहल है। इसमें होगा क्या, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। हर एक कंट्री में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो उपयोग करके इनोवेशन को बढ़ाया जाए, विकास को बढ़ाया जाए और ह्यूमन राइट्स हैं उनको, मानवाधिकार उनमें भी वृद्धि की जाए। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है और चीन इसमें शामिल नहीं है। हाल ही में भारत की अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, इनका नाम क्या है? तो अटॉर्नी जनरल हैं हमारे वर्तमान में के वेणुगोपाल, इनका जो कार्यकाल है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 30 जून 2017 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया था और 3 साल का इनका कार्यकाल होता है। तो 30 जून है अभी 2020, इसको 30 जून को इनको कार्यकाल जो है समाप्त हो रहा था, लेकिन इनका जो कार्यकाल है 1 साल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और ये क्या है, जो के वेणुगोपाल हैं भारत के 15 लिखा है यहाँ पे, आपको याद रखना है 15 अटॉर्नी जनरल हैं। और अटॉर्नी जनरल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, ठीक है, और भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य वकील होता है, कौन, अटॉर्नी जनरल। और इसको हम क्या कहते हैं, देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी भी कहते हैं। और भारत के अटॉर्नी जनरल को क्या है, संविधान की धारा 76(1) के तहत भारत की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो जो USA की कैथरीन डी सुलिवन है, ये क्या है, ये नासा की एस्ट्रोनॉट रही हैं और ये ही जो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है, उसकी मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं। और ये ऐसी पहली महिला है और 68 साल की उम्र में उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है। ये दुनिया की पहली ऐसी इंसान है, महिला नहीं, पहली ऐसी इंसान है जिन्होंने अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को और समुद्र की गहराइयों को नापा है। ठीक है, क्योंकि ये एस्ट्रोनॉट रही हैं तो ऑब्वियस सी बात अंतरिक्ष में इन्होंने काफ़ी काम किया है। और अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया है, मारियाना ट्रेंच को भी छुआ है जो कि 7 मील गहरा है, दुनिया का सबसे गहरा स्थान है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कैथी सुलिवन, ओके, अमेरिका से इनका संबंध है और नासा की ये पूर्व एस्ट्रोनॉट रही हैं। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस हर साल 16 जून को मनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, फैमिली रेमिटेंस का मतलब होता क्या है,
देखिए क्या होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विदेशों में काम करते हैं, और विदेशों में काम करते हुए वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने परिवार को भेजते हैं ताकि वो अपना पालन पोषण अच्छे से कर पाएँ, अच्छे से अपना गुजर बसर कर पाएँ। तो उस पैसे को हम क्या कहते हैं, उस पैसे को हम फैमिली रेमिटेंस कहते हैं। ओके, और मैंने कुछ दिनों पहले ही बताया था कि जो भारत है फैमिली रेमिटेंस में सबसे आगे है। तो इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने कब की थी, 2015 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। 2015 से लगातार इस दिवस को मनाया जा रहा है, मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस इस बार का छठवा इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो आपको याद रखना है ये यूएन की एक जो संस्था है उसके द्वारा, यूएनसीटीएडी के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, इसको अंगटाड भी कहा जाता है हिंदी में, इसलिए कह देते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इसी के द्वारा जारी की जाती है। और जो अभी 2020 की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार क्या है, दुनिया में जो सबसे बड़े जो एफडीआई प्राप्तकर्ता देश हैं उसमें भारत जो है 9वें स्थान पर पहुंच गया था। ठीक है, 2019 में, और जबकि 2018 में कौन से स्थान पे था, ये 12वें स्थान पे था। लेकिन क्या होगा, 2020 में जो एफडीआई का प्रवाह है वो घट जाएगा एशियाई देशों में। ठीक है, 40% तक ही घट जाएगा पूरी दुनिया में, और एशियाई जो विकासशील अर्थव्यवस्था है जिनमें भारत भी शामिल है उनमें 45% तक इसमें गिरावट आ सकती है। क्योंकि ऐसे में देखिए अर्थव्यवस्था गिर रही है तो, और आत्मनिर्भर जैसी योजनाएं चल रही हैं जिनके तहत जो है देसी मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे एफडीआई का जो है परसेंट में गिरावट आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। हाल ही में किस अभिनेता को बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में पंकज त्रिपाठी, जिनका संबंध गोपालगंज बिहार से है, इनको बिहार खादी का जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है बिहार राज्य सरकार के द्वारा। और वो पटना में जो स्थित देश का सबसे बड़ा खादी मॉल है उसका और खादी उत्पादों का प्रचार करेंगे। अब यहाँ पे खादी के बारे में बात चल रही है तो खादी की से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं उनको कौन रन करता है, कौन गवर्न करता है, उसको करता है खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन कमीशन सॉरी। इसकी स्थापना कब हुई थी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग की 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है, और इसकी जो पैतृक संगठन है वो कौन है, वो MSME है। ओके, और इसका उद्योग उद्देश्य क्या है, तो जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग है इसका मुख्य उद्देश्य होता है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना और लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। हाल ही में लोनार झील के पानी में रंग बदलने की घटना देखी गई है, यह झील किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है ये जो लोनार झील है ये महाराष्ट्र राज्य में है। और ये बनी कैसी थी ये झील, किसी उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से इस झील का निर्माण हुआ था, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। और हाल ही में ऐसा देखा गया है कि इसका जो रंग है, पानी का रंग है, वो कैसा हो गया, वो गुलाबी हो गया है। ठीक है, और ये है कहाँ, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में है, एक लोकप्रिय पर्यटन क्षेत्र है। और ऐसा माना जाता है कि 50,000 साल पहले क्या हुआ था, एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया था, इसके कारण इस झील का निर्माण हुआ था। और अभी क्या हुआ, जब पानी का रंग जो गुलाबी हुआ है, जिसके बाद ना केवल स्थानीय लोग बल्कि वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित हैं। और कुछ विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि जो पानी में शैवाल मौजूद होते हैं और लवणता, इसके कारण ऐसा हो रहा है। हालांकि इसकी जांच के लिए जो झील का पानी है उसके सैंपल को कहाँ कहाँ भेज दिया है, पुणे में जो स्थित है आगरकर संस्थान और नागपुर में स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, यहाँ दो लैब में यहाँ पे भेजा गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली न्यूज़ को। हाल ही में कौन सा राज्य छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है?
तो उड़ीसा राज्य ऐसा पहला राज्य है जिसके छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र तो प्राप्त हुआ है। अभी जो प्रमाण पत्र तो प्राप्त हुआ है, कुछ बेसिक सी सुविधाएं देखी गई हैं, बुनियादी सुविधाएं। बुनियादी सुविधाएं कौन कौन सी है, देखिए, सुरक्षित भवन, कार्यात्मक शौचालय, सुरक्षित पेयजल, उचित रसोई और भोजन, बचाव, सुरक्षा, छात्रों का स्वास्थ्य और स्वच्छता। इतनी ये बेसिक सुविधाएं देखी गई हैं। इनको देखने के बाद, इनको परखने के बाद, उड़ीसा के जो जनजाति छात्रों के लिए छात्रावास हैं उनको क्या किया गया है, उनको ISO प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अब बात देखिए यहाँ पे हुई है ISO की, तो ISO के बारे में जान लेते हैं। ISO का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, 23 फरवरी 1947 को हुई थी, और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे के मध्य रेलवे जोन ने हाल ही में रेलवे यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों की स्क्रीनिंग और निगरानी की बढ़ाने के लिए एक AI सक्षम रोबोट लॉन्च किया है। इसका नाम क्या, एक रोबोट है जो कि AI पे आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। तो उसका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है उस रोबोट का नाम है कैप्टन अर्जुन। ठीक है, ये देखिए चित्र में आप देख सकते हैं इस तरीके से है, और कैप्टन अर्जुन इसका नाम है ये जो रोबोट है। इसका काम क्या है, निगरानी बढ़ाना और रेलवे कर्मचारियों की और रेल यात्रियों की क्या करना, स्क्रीनिंग करना। ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके से ये स्क्रीनिंग करेगा, और जिसका थर्मल स्क्रीनिंग करेगा, और जिसका जो तापमान है तापमान को रिकॉर्ड करेगा, और यदि किसी व्यक्ति का तापमान अधिक है तो वो स्वचालित अलार्म बजाने लगेगा, अलार्म बजा देगा, इससे पता चल जाएगा वहाँ सुरक्षा कर्मियों को। ठीक है, इसमें रिमोट सेंसर हैं और कैमरे लगे हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेंसर है, कैमरा लगा हुआ है, और इससे क्या होगा, इससे स्क्रीनिंग जो है रेलवे कर्मचारियों की और रेलवे यात्रियों की आसान हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अतुल श्रीवास्तव का निधन हो गया है, वह किस संस्था के निदेशक के रूप में कार्यरत थे। तो आपको याद रखना है कि वो सेल जिसको हम फुल फॉर्म जिसका है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके वो डायरेक्टर थे। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके निदेशक अतुल श्रीवास्तव, यहाँ पे अतल लिखा है, याद रखना है, अतुल श्रीवास्तव का निधन हो गया है, और 12 मार्च 2018 को इन्होंने सेल के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया था। अब आपको सेल के बारे में याद रखना है, इसका फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका हिंदी में नाम होता है भारतीय इस्पात प्राधिकरण, और इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको बताना है हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया है। आपके पास चार ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर और उत्तराखंड। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। और PDF डाउनलोड करना ना भूलें हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है प्रोग्रेस अकेडमी, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।